बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दिस इज कॉल्ड वकार खानजादा एंड यू आर वाचिंग वकार खानजादा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस डिफरेंट काइंड्स ऑफ पनिशमेंट अंडर पाकिस्तान पीनल कोड। वी विल डिस्कस सेक्शन 53 इन विच देर आर 10 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट। वी विल डिस्कस द पर्पज ऑफ पनिशमेंट एंड ऑल द पनिशमेंट इन डिटेल। So according to the definition of punishment, according to Black Law Dictionary, any fine, penalty or confinement inflicted upon a person by the authority of the law and the judgment and sentence of a court will be called punishment for convicted person. Now there are 10 kinds of punishment under Pakistan Penal Code. Relevant section is 53 and purpose of punishment is deterrence and prevention to those who are thinking about the crimes. Our first kind of punishment is qisas. Qisas means to copy the others or to follow the path followed by other. Under section 299K, qisas mean punishment by causing similar hurt at the same part of the body of the convict as he has caused to the victim, or causing by death in case of qatl-e-amd. Mr. A ke jisne crime kiya hai. एंड सेकेंड वन इज मिस्टर बी जिसकी डेथ हो गई है और उसको सर में कोई भारी भरकम चीज मार के कत्ल किया गया है। अब अगर कोर्ट की तरफ से किसास की पनिशमेंट इम्पोज की जाती है मिस्टर ए पे जो कि किलर है, तो फिर कोर्ट पुलिस को ये हुक्म देगी कि आपने किसास की पनिशमेंट देनी है। अब पुलिस क्या करेगी, पुलिस वही काम उसके साथ करेगी कि जिस तरह उसने मिस्टर बी को कत्ल किया है, वही चीज उसके सर में मारी जाएगी। तो इसको हम कहते हैं किसास। एक्सेप्शंस इन केसेस ऑफ किसास, देर आर 4 केसेस वेयर द कोर्ट विल नॉट अप्लाई द पनिशमेंट ऑफ किसास। फर्स्ट वन इज डेथ ऑफ ऑफेंडर, अगर ऑफेंडर की डेथ हो जाए। वेवर बाय वली, अगर लीगल एयर की तरफ से वेव कर दिया जाए इस राइट को। थर्ड वन इज राइट ऑफ किसास डिवॉल्व ऑन ऑफेंडर। मिसाल के तौर पर विक्टिम की डेथ हो गई, विक्टिम की डेथ के बाद वली यानी कि जो लीगल एयर था उसका, उसकी डेथ हो गई और वली की डेथ के बाद अब उन दोनों का वली जो बनेगा वो ऑफेंडर बन गया है, वो वही बंदा बन गया है कि जो के कातिल था। इस वजह से अब किसास का राइट इंपोज नहीं किया जा सकता। एंड लास्ट वन इज वली हैज नो राइट ऑफ किसास। वली के पास राइट ऑफ किसास नहीं होगा इन केसेस के वेयर द पर्सन कैन नॉट इन्फोर्स किसास अगेंस्ट हिज फादर। मिसाल के तौर पर अगर सन को ये राइट दिया गया है और उसने ये राइट अगेंस्ट हिज फादर इम्पोज करना है, हासिल करना है, तो फिर वो ये राइट। सेकेंड काइंड ऑफ पनिशमेंट इज दियत। दियत मीन्स The compensation payable only in cases of qatl and not in cases of hurt. Diyat se murad aisi rakam hai, aisi compensation hai jo ke qatl ke cases mein di jayegi, legal heirs ko di jati hai. Ye hurt ke cases mein legal heirs ko ya us victim ko nahi di jayegi, uske liye arsh aur daman की पनिशमेंट रखी गई है। सो दियत की वैल्यू अंडर आर्टिकल 323 इज 30,630 ग्राम ऑफ
सिल्वर है। दियत की जो रकम है वो उस वक्त दी जाती है कि अगर विक्टिम की डेथ हो जाए, चाहे वो कत्ल बिसबब हो कत्ल शबी अम्द। थर्ड वन इज अर्श। अर्श इज द काइंड ऑफ कंपनसेशन पेबल एट कॉजिंग हर्ट। जिस तरह दियत हर्ट के केसेस में नहीं दी जा सकती, इसी तरह अर्श भी कत्ल के केसेस में नहीं दिया जा सकता। वैल्यू ऑफ अर्श इज असेस्ड एट सर्टन परसेंटेज इंडिकेटेड इन वेरियस प्रोविजन ऑफ दियत अंडर सेक्शन 323। 323 में मुख्तलिफ हर्ट्स को बयान किया गया है और उनके साथ साथ अर्श की वैल्यू को भी डिस्कस किया गया है। देन मोड ऑफ पेमेंट। द अर्श विल बी पेबल इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट, बट द पीरियड ऑफ इंस्टॉलमेंट मस्ट नॉट एक्सीड देन 3 years। अगर कन्विक्ट की तरफ से अर्श की वैल्यू पे नहीं की जा सकती बिकॉज ऑफ पुअर फैमिली, तो फिर उसको उतने अरसे के लिए जेल भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट काइंड इज दमान। अंडर आर्टिकल 299D, दमान मीन द कंपनसेशन डिटरमाइंड बाय द कोर्ट टू बी पेड बाय द ऑफेंडर टू द विक्टिम फॉर कॉजिंग हर्ट नॉट लायबल टू अर्श। अगर अर्श में जो भी हर्ट बयान किए गए हैं और जो भी वैल्यू बयान की गई है दियत की, परसेंटेज बयान की गई है, तो अगर जो हर्ट किया गया है विक्टिम को वो उन तमाम हर्ट्स में नहीं आता, तो फिर कोर्ट खुद डिटरमाइन करेगी। अब कोर्ट किस तरह से डिटरमाइन करेगी? कोर्ट देखेगी कि ट्रीटमेंट पे कितना खर्चा आया है और उस ऑर्गन को कितना नुकसान पहुंचा है कि जहां पे हर्ट किया गया है, और उस हर्ट करने से उस विक्टिम को कितना सफर करना पड़ा है। ये 3-4 चीजें देखेगी कोर्ट और उसके बाद वैल्यू ऑफ द मान विल बी फाइनलाइज्ड बाय द कोर्ट। देन ताजीर। ताजीर मींस पनिशमेंट अदर देन किसास, दियत, अर्श और दमान। ये 4 पनिशमेंट हैं, इनके अलावा जो भी पनिशमेंट है इन 10 में से वो तमाम की तमाम ताजीर में फॉल करती है। देन डेथ। डेथ इज द कैपिटल पनिशमेंट दैट मे बी अवॉर्डेड फॉर सर्टन ऑफेंसेस अंडर पाकिस्तान पिनल कोड। डेथ एक कैपिटल पनिशमेंट है जो कि 3 ऐसे जराइम है जिसमें दी जाती है। फर्स्ट वन इज वेगिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। अगर कोई बंदा पाकिस्तान के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट करता है या स्टार्ट करने के लिए फैसिलिटेट करता है, तो उसको डेथ की पनिशमेंट दी जाएगी। हाईजैकिंग के केस में भी डेथ की पनिशमेंट, और अगर कत्ले अम्द किया गया है बाय द पर्सन, तो उसको भी डेथ की पनिशमेंट इम्पोज की जाएगी। इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको पूरी जिंदगी के लिए जेल में जाना पड़ेगा। इट मीन यू हैव टू गो टू जेल फॉर 25 years। Some offences where it may be inflicted. First one is sedition under section 124A of Pakistan Penal Code. Counterfeiting of Pakistan coins under section 232. And last one is punishment of murder under section 302. तो लाइफ इम्प्रिजमेंट कब होगी? लाइफ इम्प्रिजमेंट 3 केसेस में हो सकती है। अगर आप हंगामा बर्पा करते हैं या बगावत करते हैं मुल्क से, तो फिर आपको ये पनिशमेंट इम्पोज की जा सकती है। या अगर आप जाली करेंसी बनाते हैं पाकिस्तान की, या फिर अगर आप पे मर्डर का इल्जाम है, तब भी ये आप पे इम्पोज की जा सकती है लाइफ इम्प्रिजमेंट। Now imprisonment. Imprisonment means confinement of convict within certain prescribed limits. The maximum period of imprisonment can be awarded for an offence is 14 years under section 55 of Pakistan Penal Code, and the shortest term provided for an offence is 24 hours.
इम्प्रिजमेंट से मुराद ये है कि आपको सर्टेन लिमिट में महदूद कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, घर में भी कैद किया जा सकता है जिसको नज़रबंद की सजा कहते हैं, या आपको जेल में भी जाके बंद किया जा सकता है। अब इम्प्रिजमेंट दो तरह की होती है, एक होती है रिग्रेस और एक होती है सिंपल। रिग्रेस इम्प्रिजमेंट में आपसे हार्ड लेबर का काम लिया जा सकता है जिसमें डिगिंग ऑफ अर्थ भी है, एंड सिंपल इम्प्रिजमेंट में आपको कोई काम नहीं करना पड़ता। देन फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी मीन कि आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट, बाय द कोर्ट। अब ये किन केसेस में होता है? मोस्टली ये करप्शन के केसेस में होता है या सिविल केसेस में ये सजा दी जा सकती है। सेक्शन 126, 127 एंड सेक्शन 169 में डिटेल बता दी गई है कि किस किस केसेस में फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी की पनिशमेंट दी जा सकती है। फाइन की पनिशमेंट आपको फॉलोइंग सेक्शंस में मिल जाएगी, 137, 154, 155, 156, 171G, 171H, 278, 283, 290 एंड 294A ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। थैंक यू सो मच।